अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। है तो बहुत सिंपल सी और चने की दाल सभी को बहुत पसंद होती है। मेरी फैमिली को भी चने की दाल बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसको समर में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ और विंटर्स में बिल्कुल डिफरेंट। विंटर में मैं गरम मसाला जो साबुत होता है उसके साथ बनाती हूँ, और समर में मैं ये हरी मिर्च के साथ बनाती हूँ, तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप देखें इस तरह ऑयल में आप अगर ज़्यादा हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। ये वाली बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती, इसलिए मैंने दो डाल ली हैं, और बहुत ज़्यादा दाल भी नहीं मैं बना रही, तो इस वजह से दो इनफ होंगी। ऑयल के अंदर मैंने ये जो अपना इंस्टेंट पॉट है इसको मैंने बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखा हुआ, इंस्टेंट पॉट को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। और उसको ऑयल आप देखें, ऑयल में बबल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्न वाला जो है ना नहीं होना चाहिए, कि बर्न ना हो ना हरी मिर्च। देखें इस तरह हरी मिर्च मैंने डाल ली थी, और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से उसका फ्लेवर ऑयल में निकाल के और उसको मैंने वापस निकाल लिया है। आप इस वाली रेसिपी को जो है ना इस तरह बनाएंगे ना चने की दाल, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इवन के जो चने की दाल नहीं भी खाना चाह रहा होता ना, उसको भी चने की दाल अच्छी लगती है। और ये अब आपके ऊपर है। मैं तो बिल्कुल चने की दाल सम टाइम बिल्कुल ब्लेंड कर लेती हूँ, सम टाइम थोड़ी सी खड़ी रखती हूँ, वो जिस तरह का मूड हो, जिस तरह का जो है ना बच्चे चाह रहे हों। उसके बाद मैंने अनियन कट करके इसमें डाल दिया था, और गार्लिक मैं अभी नहीं डालूंगी। अनियन को मैं इसको कलर चेंज होने तक जो है ना वो करूंगी, अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूंगी। अब मैंने गार्लिक भी डाल दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ में अनियन के कलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कि आपने कलर को कहाँ तक जो है ना ब्राउन लेके जाना है। जैसे वेजिटेबल्स में आप बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ना वेजिटेबल का कलर जो है ना, जब सब्ज़ी पक के तैयार होती है तो उसका कलर अच्छा नहीं आता। इसी तरह दालों में भी है, कि दालों को भी बहुत ज़्यादा ब्राउनिश की तरफ नहीं लेके जाते प्याज को, वरना दाल में भी जो है ना वो एक तो कलर अच्छा नहीं आता, ऊपर से टेस्ट का भी थोड़ा सा होता है। इसलिए अनियन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अनियन को किस कलर तक आपने करना है। ये देखें, अब ये वाला तकरीबन गोल्डन ब्राउन तक हो गया। इसमें मैं पानी मिक्स कर दूंगी, क्योंकि वो मेरा मसाला अच्छे से हो गया, क्योंकि अब इसमें मैंने बाकी मसाले डालने हैं। वो थोड़ा सा पानी इसलिए मिक्स करूंगी ताकि जो हम ये लाल मिर्च और नमक और हल्दी डाल रहे हैं वो अच्छे से जो है ना उसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए, प्याजों वाले मसाले के अंदर। मैं बेसिक मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और इसके साथ मैं वाइट राइस बनाऊंगी। और अगर जैसे आपका मूड है विंग्स साथ बना लें आप, या अगर आपके पास रोस्ट जो है ना आपने तैयार करके रखा हुआ है वो आप एयर फ्रायर में कर लें दाल चावल के साथ, या शामी कबाब बना के सम टाइम रखे होते हैं, या कोई भी आपको अगर डिफरेंट कुछ करना है। अदरवाइज़ हाली भी चने की दाल और चावल अच्छे लगते हैं। मैंने चटनी बना के क्यूब्स रखे हुए हैं, मैं दही में वो चटनी का एक क्यूब डाल लूँगी, साथ थोड़ा सा सैलड बना लूँगी। बात वो ये है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह खाना पसंद करते हैं। मैं अपने ऑप्शंस आपको बता रही हूँ। अब देखें, इसमें मैं चने की दाल ऐड कर दूँगी, क्योंकि मसाले का अच्छे से जो है ना वो मतलब मसाला मैंने भून लिया था जब मैंने लाल मिर्च वगैरह डाली है। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये इंस्टेंट पॉट जो है इसका बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह होता है। ये देखें, बिल्कुल सेम जो है ना प्रेशर कुकर जैसा ही होता है। इवन के जो इसकी विसल होती है वो भी आप देखें उतर जाती है। काम बिल्कुल ये प्रेशर कुकर की तरह ही करता है, और 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छी जो है ना वो तैयार हो जाती है। मैं 8 मिनट से लगा रही हूँ, और बहुत अच्छी जो है ना दाल ब्लेंड हो जाती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको मैश करना है तो फिर आप 10 मिनट्स लगा लें। विंग्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है विंग्स की, और बहुत मज़े के बनते हैं। इवन कि अगर आप वैसे भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास विंग्स रेडी हैं, आप चिप्स और विंग्स बना लें तो वो भी बहुत अच्छा स्नैक तैयार हो जाता है। और विंग्स ये कि मैं हर वक्त बना के रखती हूँ।
और ये चटनी भी तैयार है, सैलड भी तैयार है। बहुत ज़्यादा रनी अगर आपको लग रही हो तो आप उसको थोड़ा सा चाहें तो ड्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको सुखा लें पानी को। ये विंग्स देखें, इसमें पेपरिका पाउडर है, काली मिर्च है और सोया सॉस, विनेगर और नमक, ये लगा के मैंने पहले से काफ़ी ज़्यादा रखे होते हैं और फिर ये साथ एयर फ्रायर में 15 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। जब आपका खाना रेडी हो रहा होता है साथ ये भी। और आज मैं आप लोगों को अपने बेटे का एक्सपीरियंस दिखाऊंगी, जो कि माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा कटिंग का एक्सपीरियंस रहा है इस वाले सैलून पे। यहाँ से इसने कटिंग करवाई है अब्दुल्ला ने, और मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके गए हुए थे, तो अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि इनके जो हेयर कटिंग टूल्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे, इस वजह से जो है ना उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये आप लोग देखें, माशाल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से वो स्टाइल भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब किसी सैलून में जाते हैं तो वो आपकी बात अच्छे तरीके से सुने, और आप जिस तरह, जैसे अब्दुल्ला एक पिक्चर लेके गया हुआ था, वो उस तरह का कट करवाना चाह रहा था, और अब्दुल्ला के बाल भी थोड़े से डिफ़िकल्टी हैं मैनेज करने के लिए, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज किया। क्योंकि ये तो जो बच्चे करवाते हैं उनको ही पता होता है कि कटिंग टूल्स जो होते हैं, जो उसमें ये, जैसे अब्दुल्ला बता रहा था कि इसका एक्सपीरियंस इस वाले सैलून पे ये अच्छा रहा है कि इनके बड़े स्मूथ से जो है ना हेयर कटिंग टूल्स से सब। बहुत ही तसल्ली से वो लोग कर रहे थे और अब्दुल्ला को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे थे। आप अब्दुल्ला का फाइनल रिजल्ट भी देखें। अली ने भी करवानी थी, लेकिन अली को एग्री करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, अली कटिंग के लिए इतनी जल्दी एग्री नहीं होता, तो अली के पापा काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि अली भी मान जाए।
और बार बार पूछते भी रहे कि आपको अब ठीक लग रहा है या इसको मैं मज़ीद कर दूँ। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।